नमस्कार दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ के लिए 2017 कैसा रहेगा जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि वालों के लिए वैसे लव लाइफ के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है 2017, लेकिन काफी हद तक जो शादियां टूटने की कगार पर हैं, वह भी अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं है, तो इस साल उनकी लाइफ पार्टनर से संतुष्टि बन जाएगी और उसके साथ वह अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशियों के साथ जिएंगे। यदि तुला राशि वाले अविवाहित हैं और शादी करने की सोच रहे हैं, तो तुला राशि वालों की किसी न किसी सेमिनार में या फिर इवेंट में मुलाकात किसी से हो सकती है और पहली ही नजर में उन्हें किसी से प्यार हो जाएगा, इस वजह से वे अपनी लाइफ में उस गोल लाने की चेतना में लगे रहेंगे। वैसे देखा जाए तो जिस घर में तुला राशि वालों के लिए कोई संतान नहीं थी, तो वह अब इस 2017 में आने के चांसेस पूरे हैं। संभावना दिखा रही है कि आपके घर में कोई ना कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह के प्रस्ताव में हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी चीजों को ध्यान से रखें, अपनी चीजों को सुव्यवस्थित करें और अपने कार्य को भी एक तरीके से करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके यदि टाइम शेड्यूल बनता है तो उससे आपके सारे कार्य ठीक से हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने कार्य को ठीक से कर सकें, तो उसके लिए भी जरूरी है कि 2017 की शुरुआत से ही आप अच्छा करना शुरू करें, और 2017 क्या 2016 से ही आप अपने अच्छे कार्य की शुरुआत कर दीजिए। जाते जाते 2016 आपको कुछ तो देकर जाएगा, जिससे कि आपका नया 2017 काफी अच्छा बन जाएगा। आप अपने जीवन में सारी खुशियां पा सकते हैं 2017 में। वैसे कुल मिलाकर तुला राशि के लिए 2017 अच्छा है और सारी खुशियां उन्हें मिलने वाली हैं, तो तुला राशि के लिए लव लाइफ के रूप में भी दिन अच्छा है और साल भी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।